हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरी प्लेटफॉर्म। होप यू डूइंग वेल। तो जो हम 1000 क्वेश्चन जो स्टार्ट कर चुके हैं, 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज, उसमें आज क्लास नंबर 7 है हमारा। ठीक है, क्लास नंबर 10 तक एक्चुअली टीम ने क्या किया है कि सिर्फ 10 ही क्वेश्चन रखे हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चन आंसर का हमारा जो क्लास होगा उसमें हम क्वान्टिटी बढ़ा देंगे क्वेश्चन की। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा जीए का कोर्स है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस का जो कोर्स है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम के लिए, वो 1 जुलाई को ही रिलीज हो चुका है। फीस मात्र 999 रुपीज है, कुछ भी ज्यादा नहीं है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, पॉलिटी, स्टैटिक जीके इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। स्टैटिक जीके पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, स्टैटिक जीके पूरा कंप्लीट हो चुका है। और वन मोर थिंग, जो करंट अफेयर्स है ना वो मैं आपको फ्री में भी पढ़ाऊंगी ऑन यूट्यूब। ठीक है, ये फ्री में, वैसे मुझे करंट अफेयर पेड पढ़ाना पसंद ही नहीं है, बट जो टीम है उन्होंने इंक्लूड कर दिया था इस वजह से, लेकिन आपको जो है ये फ्री में भी मिलेगा। तो स्टैटिक जीके जो है, देखो स्टैटिक जीके पूरा पढ़ा के कंप्लीट हो चुका है आपका, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, और भी उसमें करंट अफेयर की क्लासेस आएंगी, डोंट वरी। और हिस्ट्री जो है एंशियंट इंडिया और मॉडर्न मिडिवल इंडिया कंप्लीट हो चुका है, मॉडर्न इंडिया के भी क्लासेस हो चुके हैं। अब सिर्फ 4-5 क्लासेस बचे हैं, हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएंगे। पॉलिटी की भी 7-8 क्लासेस मैं इसमें अपलोड कर चुकी हूँ, 9 क्लासेस अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है, ये हमने जिस तरह से बता रखा था उसी तरीके से पूरा सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है। स्टैटिक जीके कंप्लीट कर लिया, हिस्ट्री भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो जाएगा। आज 20 जुलाई है, आज कंप्लीट कर दूंगी मैं हिस्ट्री भी। पॉलिटी 13 जुलाई से स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग। ज्योग्राफी में अभी कंटेंट ऐड होना बाकी है, उसकी भी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। लाइफ साइंस भी हो रहा है। तो आप लोग प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, प्लीज़ जो है जल्दी से जल्दी इसको इनरोल कर लीजिए, जल्दी इनरोल कर लीजिए इस कोर्स को। और इसको इनरोल कैसे करना है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं इनरोल कैसे करना है। देखो, आपको आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना वहाँ से। और आपकी क्लासेस के PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, 6 मंथ्स की वैलिडिटी है इसमें। अगर सपोज एग्जाम, खुदा ना खास्ता बस ऐसे कह रही हूँ मैं, अगर सपोज एग्जाम 6 मंथ से और भी बियॉन्ड जा रहा है, वो तो होगा नहीं गारंटेड, सितंबर टेंटेटिव डेट है, सितंबर में ही हो जाएगा। लेकिन सपोज अगर 6 महीना भी हो गया और एग्जाम नहीं हुआ तो मैं इसकी वैलिडिटी भी इंक्रीज कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो ये सारी चीजें थी, आपको बताना जरूरी था, इंपॉर्टेंट था। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे करना है, और इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। सच में अभी तक जितने भी कोर्सेज मैंने रिलीज किए, सबसे अच्छा रिस्पॉन्स सिर्फ इसी एग्जाम का आ रहा है, क्योंकि बच्चे इतने ज्यादा अटेंटिव है। मैं पूरे जो क्लासेस है वो अप टू डेट उनको मिल ही जा रहे हैं, लेकिन ये लोग इतने अच्छे से MCQs भी सॉल्व कर रहे हैं। textbook.com से MCQs सॉल्व किए जा रहे हैं बच्चों के द्वारा। आप लोग भी प्लीज textbook.com से ही क्वेश्चन सॉल्व करना। यूज माई कोड CTMV7N, ठीक है, CTMV7N, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इतने अच्छे से सॉल्व कर रहे क्वेश्चंस, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो आप लोग, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा मेरे एप्लीकेशन में, बस मैसेज ही करना, कॉल वगैरह मैं रिसीव नहीं करती। तो पर्सनली स्क्रीनशॉट भेजे जा रहे हैं कि मैम ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम, आपकी जो क्लास है उसी से आया है, ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, एज इट इज क्वेश्चन बना है। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा अटेंटिव बच्चे हैं, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट जो बैच मैंने अभी निकाली है, बैच 1 उसके। सो प्लीज जल्दी से जल्दी इसको इनरोल कर लीजिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत होगी बातें, अभी डायरेक्टली क्लास स्टार्ट करते हैं। ये पूरा शेड्यूल के हिसाब से ही सारी चीजें चल रही है। ओके, चलो, तो क्लास नंबर 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट आंध्र प्रदेश से उठाए गए क्वेश्चन है ये। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अपर PCS पेपर से उठाए हुए क्वेश्चन है। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया दैट इज कन्याकुमारी इज लोकेटेड। तो जो हमारा इंडिया है, ठीक है, इंडिया में जो एकदम साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है हमारा, ये पूरा देखो हमारा ऐसे समझो, ठीक है, ये इंडिया है। तो ये जो ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब में कुछ इमेजिनरी लाइंस खींची हुई है, कुछ इमेजिनरी लाइंस खींची हुई, जैसे ये एक लाइन है, इसे कहते हैं 0 डिग्री लाइन। ठीक है, इसे कहेंगे हम लोग 0 डिग्री लाइन। में अच्छे से ड्रॉ करने दो, वेट। ठीक है, ये समझो हमारा प्यारा भारत। ओके, 0 डिग्री लाइन है, अरे यार ऐसे मुझे ड्रॉ ही नहीं करना आ रहा, आई एम सॉरी फॉर दैट। ऐसे कंसिडर कर लेते हैं इंडिया, ठीक है, इंडिया उतना छोटा सा नहीं आ रहा, बड़ा सा मैप फटाक से आ जाता है। तो ये जो 0 डिग्री का लाइन है इसे हम कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। और एक लाइन, इमेजिनरी लाइंस बहुत सारे हैं, आपको ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलेगा ये।
और फिर एक लाइन ऐसी जाती है 23.5 डिग्री की, और एक लाइन ऐसी जाती है 23.5 डिग्री की। ये जो 23.5 डिग्री की नॉर्थ साइड में जो लाइन है, ठीक है, 23.5 डिग्री की ये जो नॉर्थ साइड में लाइन है, ये इसे हम कहते हैं 23.5 डिग्री की जो नॉर्थ साइड में लाइन है, और ये है 23.5 डिग्री की साउथ साइड में लाइन। ओके, तो ये जो इमेजिनरी लाइंस है ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो पूछा क्या जा रहा है कि इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है जहाँ पे कन्याकुमारी लोकेटेड है, ठीक है, कन्याकुमारी जो टाउन है लोकेटेड है, वो किस हिस्से में बिलोंग करता है, कौन से लाइन के किस हिस्से में बिलोंग करता है? तो ये आपके इक्वेटर के नॉर्थ साइड में बिलोंग करता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ साइड में बिलोंग करता है, ठीक है, साउथ साइड में लोकेटेड है। अब यहाँ पे नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसी वजह से ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे साउथ होता तो ये हम आंसर जो है राइट करते, लेकिन यहाँ पे साउथ नहीं है, यहाँ पे क्या है, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, तो ये होगा आपका राइट आंसर। ध्यान से सुनना आप लोगों को, ठीक है। 0 डिग्री की एक लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन है, इसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड में और 23.5 डिग्री साउथ साइड में। तो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ वाला है उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वाला जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और एक क्वेश्चन बनता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के कितने स्टेट से गुजरता है, कितने स्टेट्स? तो ये पूरे के पूरे 8 स्टेट से गुजरता है। ये सारी चीजें आपको ज्योग्राफी में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, रिकॉर्डिंग हो चुकी है, आपको जो है क्लासेस जल्दी से जल्दी मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेड क्लिफ लाइन इज बाउंड्री बिटवीन। तो जो रेड क्लिफ जो लाइन है ये है इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री, ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री है। अगर आपको पूछे कि मैकमोहन लाइन, ठीक है, मैकमोहन जो लाइन है वो कौन से दो देशों के बीच में की बाउंड्री है, तो याद रखना है वो इंडिया और चाइना के बीच में की बाउंड्री है, ठीक है, इंडिया एंड चाइना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये 1 मार्क इजिली आपको लेकर दे देगा। विच ऑटोमिक पावर स्टेशन इन इंडिया इज बिल्ड कम्प्लीटली इंडिजिनियसली। कौन सा ऑटोमिक पावर स्टेशन है इंडिया में जो कम्प्लीटली हमने बनाया, हमने किसी की हेल्प नहीं ली है? तो वो है कालापक्कम, ठीक है, कालापक्कम जो है पावर स्टेशन इंडिया में जो बनाया हुआ है वो कम्प्लीटली हम लोगों ने बना रखा। ओके, सबसे पहले जो पावर स्टेशन बना था वो तारापुर बना था, महाराष्ट्र में ही है ये, ठीक है। इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन या न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे बना था, तारापुर पावर प्लांट, ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम्स फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल। तो जो ड्रेनेज सिस्टम है हमारी इंडियन रिवर्स की, उनका जो फॉल है, एक तो इधर अरेबियन समुद्र में जाके गिरता है या फिर बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, अरेबियन समुद्र, जैसे ये देखो ये आपका डेक्कन वाला एरिया, ठीक है, इंडिया का डेक्कन वाला एरिया। तो जो एक तो आपकी नदियां जाएगी अरे बे ऑफ बंगाल में या फिर अरेबियन सी में, ठीक है, अरेबियन सी में या बे ऑफ बंगाल में। यहाँ पे जो ऑप्शन देखो, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ये तीनों भी बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है, ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। और फिर से यहाँ पे देखो ऑप्शन में, फिर से यहाँ पे ब्रह्मपुत्र दिया इसने, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, ये तीनों भी, ब्रह्मपुत्र तो इधर से आ रही है, कृष्णा, कावेरी जो है ये भी बे ऑफ बंगाल में ही जाकर गिरती है। लूनी, नर्मदा, ताप्ती, ये जो है ये अरेबियन सी में जाकर गिरती है। लूनी एक ऐसी नदी है, ये नदी आपको थार डेजर्ट में छुप जाएगी, मतलब ये नदी अरेबियन सी में जाकर नहीं गिरती है, ये एक्चुअली में जमीन में ही पूरी बस जाती है। लूनी को थार डेजर्ट की लाइफ लाइन भी कहा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके थे लूनी वाला, ठीक है। तो ये अरेबियन सी में जाकर गिरती है ये तीनों, लेकिन ऊपर के जो है ये सारे के सारे आपके बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, बोथ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। ओके, समझ में आ गया। जो ड्रेनेज सिस्टम है, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, रिवर का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छे से पढ़ना होगा आप लोगों को, एग्जाम में वो क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया आर। तो हमारी भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरवली की पर्वत श्रृंखला, ये एक्चुअल में दुनिया की सबसे पुरानी है, ठीक है, वर्ल्ड ओल्डेस्ट माउंटेन, ठीक है, वर्ल्ड ओल्डेस्ट माउंटेन
रेंज है ये अरवली की, ये आपकी शुरू होती है आपका राजस्थान, गुजरात से, गुजरात राजस्थान, देन आपका हरियाणा और दिल्ली। दिल्ली में जो हमारा राष्ट्रपति भवन है, ठीक है, जो हमारा राष्ट्रपति भवन है वो रायसेना हिल के ऊपर बनाया गया है, और रायसेना हिल जो है वो अरवली की रेंज है, ठीक है, रायसेना हिल जो है वो अरवली का ही पार्ट है। तो इतना डिटेल में आपको पढ़ना पड़ता है, हर एक चीज को इंटरलिंक करके पढ़ो, कुछ भी पढ़ रखा है आप लोगों ने, ठीक है, अगर आपने जीके की मेरी क्लास कर रखी है तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इतना ज्यादा इंटरलिंक करती हूँ कि एग्जाम बच्चे को समझ नहीं आता कि पढ़ क्या रहे, मतलब सब कुछ रिवाइज हो जाता है इकट्ठा ही एक साथ ही। और आपने भी ऐसा ही करना है, अगर सब कुछ इंटरलिंक करके पढ़ोगे, डॉट से डॉट मिलाओगे ना, तो आपको सिलेबस बहुत कम लगने लगेगा और जल्दी से जल्दी सिलेबस भी खत्म हो जाएगा और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन भी बनेंगे, तो फिर आपका जो टाइम है वो भी बचेगा एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइटल ऑफ वॉइस राय वॉज एडेड टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन। तो देखो पहले क्या हुआ करता था, एक गवर्नर, ठीक है, आपको मैं अच्छे से ड्रॉ करके बताती हूँ, ये बॉम्बे का गवर्नर, ठीक है, एक था आपका मद्रास का गवर्नर और एक था आपका बंगाल का गवर्नर, ये तीनों मिलके रिपोर्ट करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जाकर रिपोर्ट करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, इसमें थोड़े से चेंजेस किए इन्होंने, जो गवर्नर था बॉम्बे का, गवर्नर था मद्रास का, ये दोनों जाकर रिपोर्ट करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्या किया कि इसकी जो पोस्ट है इसको प्रमोशन करके कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जाकर रिपोर्ट करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, ये रिपोर्ट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ मेंबर्स को, और फिर जाकर गवर्नमेंट तक बात जाएगी। आगे क्या हुआ, 1858 का जब एक्ट आया, ठीक है, इंडिया का जो एक्ट आया 1858 का, अब ये एक्ट लाने की जरूरत भी क्यों पड़ी थी, 1857 की बहुत बड़ी क्रांति हुई थी उस वजह से ये एक्ट लाना पड़ा था। तो 1858 में जब ये एक्ट आया तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहले तो देखो ये क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो पोस्ट है इसको फिर से प्रमोट करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया, फिर ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को 1858 में कर दिया वॉयसराय, ठीक है, वॉयसराय कर दिया। और सिर्फ वॉयसराय की ही एक पोस्ट नहीं बनाई थी, यहाँ पे इन्होंने बनाई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की भी पोस्ट, ठीक है, स्टेट सेक्रेटरी की भी पोस्ट बनाई थी और इंडियन काउंसिल भी बनाई थी। इंडियन काउंसिल क्या चीज थी, इसमें 15 मेंबर थे, ठीक है, 15 मेंबर थे जो कि देख एक तरह से पॉलिसी बनाएंगे इंडिया के लिए, लेकिन वो यहाँ इंडिया में बैठ के पॉलिसी नहीं बना रहे थे, वो इंग्लैंड में बैठ के पॉलिसी बना रहे थे। तो ये सब कुछ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, एक क्लास जो है यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा आप लोगों को, जिसमें मैंने 1857 की क्रांति पढ़ा रखी है, तो प्लीज एक बार जाके देख लेना, वो चेकआउट कर लेना, बहुत डिटेल में पढ़ाया, पूरी एक घंटे की क्लास है वो, ठीक है, एक घंटा 35 मिनट समथिंग कोई तो क्लास है, वो बहुत लंबी क्लास है, लेकिन 1857 की जो क्रांति है वो आपके दिमाग में बैठ ही जाएगी। तो वॉयसराय जो ये पोस्ट बनाई थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके वॉयसराय बना दिया गया प्रमोट करके, वो बनाया था 1858 AD में, ठीक है, 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द महात्मा गांधी विच सरेंडर ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हुआ था 1921 से लेके 22 के दरमियान हुआ था, ठीक है, 1921 से लेके 1922 के दरमियान नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन जो हुआ था, उसमें महात्मा गांधी जी ने केसरी हिंद की जो उपाधि दी गई थी उसको वापस कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव दो इस तरह से मूवमेंट चल रहे थे। पॉजिटिव मूवमेंट मतलब स्वदेशी अपना, निगेटिव मूवमेंट मतलब बॉयकॉट करो। तो केसरी हिंद जो था ये टाइटल दिया गया था, तो इन्होंने टाइटल जो है ये सरेंडर कर दिया था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ। तो विड्थ एंड लेंथ की जो रेशियो है फॉर आवर नेशनल फ्लैग इज 2:3, ठीक है, 2:3। और 75वीं इंडिपेंडेंस डे के मौके पे हर घर तिरंगा जो है चलाया जा रहा है, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आपको क्वेश्चन करंट अफेयर से नहीं बना तो स्टैटिक से बनेगा, तो प्लीज एक बार मेरा एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन जाकर डाउनलोड कर लो, वहां पे नेशनल फ्लैग एंड नेशनल जो भी सिम्बल्स है, दो क्लासेस आपको फ्री मिल जाएंगे। हर कोई कोर्स अगर आप देख लेते हो तो उसमें दो क्लासेस आपके फ्री मिल जाएंगे, तो नेशनल वाला जो है ना, नेशनल सिंबल वाला टॉपिक आपका क्लियर ही हो जाएगा। आपको अगर वहां से क्वेश्चन बनते हैं तो इजीली
आपको वहां से क्वेश्चन बन जाएंगे, मतलब अगर नेशनल सिंबल से क्वेश्चन आने हैं तो मेरे क्लासेस से वो बन जाएंगे। जाकर एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और वो क्लासेस देख लो, ठीक है, फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे वो दो क्लासेस आप लोगों को हर कोर्स में। ओके, तो ये होगा 2 से 3, 2s to 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू, जो द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है ये कोचेस को दिया जाता है, ठीक है, कोचेस को दिया जाता है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द मिनिमम एज टू कॉन्टेस्ट फॉर इलेक्शन ऑफ लोकसभा, देखो इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन में ठहरने की बात हो रही है, ये नहीं कह रहे कि लोकसभा के इलेक्शन के लिए वोट करने की बात, नहीं, लोकसभा के इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने की बात हो रही है, तो आपकी एज मिनिमम होनी चाहिए 25 साल। 25 साल से कम है तो आप नहीं ठहर सकते उस इलेक्शन के लिए, लेकिन अगर इलेक्शन में वोटिंग की बात आ रही है तो फिर 18 साल की उम्र होनी चाहिए, ठीक है, वोटिंग की अगर बात आ रही है तो 18 साल की उम्र होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि लोकसभा में मेंबर बनने के लिए अगर मैं इलेक्शन में ठहरना चाहता हूँ तो आपकी मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चन थे, होप सो आपको सारे कुछ क्वेश्चन बने होंगे, नहीं बने हैं तो आप एटलीस्ट सबको समझ में आ चुका होगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस हम लोग डिजाइन करने वाले हैं आप लोगों के लिए फ्री में। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।